हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल जे व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त जसवंत रजक। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं भिलाई और जस्ट निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से बिलासपुर से। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अभी भिलाई और हम लोग NH में हैं। मैं शुभम सर के साथ हूँ। शुभम सर, ये है शुभम सर, चाय पी रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और साथ में है अमित सर। तो हम लोग जिनके पास जा रहे हैं वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो चलते हैं फिर आगे, चाय पी लेते हैं पहले। दोस्तों, जाने के लिए हम लोग ना सुबह सुबह ही निकल गए थे, 7 बजे करीब, और तैयारी लोग 6 बजे से ही कर लिए थे और जस्ट निकल ही रहे हैं। आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग मिलते हैं फिर वहाँ जाने के बाद, क्या क्या होता है, कैसे होता है सीन, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। दोस्तों, तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। शुभम सर बताए कि यहाँ का जो रबड़ी है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो आपको तो क्या ही बताऊँ, सही में टेस्टी होता है, मैं टेस्ट किया हूँ। दोस्तों, तो अभी हम लोग भिलाई पहुँच चुके हैं और हमें मतलब रिसीव करने के लिए तीजन भाई जी के मैनेजर आए हैं लेने के लिए, और वो पीछे खड़े हुए हैं। अभी जैसे ही ये फाटक के सामने है, फाटक खुलता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा वहाँ। अगर वहाँ परमिशन रहेगा तो अंदर में भी व्लॉग बनाऊंगा मैं, तो आप बने रहिए अभी। दोस्तों, हम लोग अभी जस्ट पहुंच गए हैं मैम के घर और जस्ट जा ही रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं तीजन भाई जी के घर में। और दोस्तों सॉरी, पर मैं अभी छत्तीसगढ़ी बोलने वाला हूं और अभी आगे का व्लॉग जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ी में रहेगा। तो जय जोहार सोमवारी मन, दीपक भैया के स्टाइल में अम्मा के घर में हवन और अंदर माँ बैठे हवे सर मन। तो चला चलथन अंदर, फिर दिखाथन। तो अभी हमारे साथ में है अम्मा के मैनेजर। तो आप मन अपन नाम बताओ। मोर नाम मनहन सारवा है। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन भाई के पर्सनल सेक्रेटरी, और 25 वर्ष से मैं जुड़े हुए हूँ अम्मा के साथ में। और ये अम्मा के निवास है और ये पति और परिवार है। ये वाले में ओकर मंझला लड़का के घर, छोटे वाले लड़का के घर वो है, बाकी और घर है। अम्मा के पूरा परिवार करीबन 30 आदमी के खाना यहाँ किचन है। 30 आदमी खाना बनते है और एक डेली। हाँ, डेली डेली। बहुत, मतलब पूरा जॉइंट फैमिली हवा है और एक साथ रही थी। एक नंबर, यही छत्तीसगढ़िया की असली निशानी है। सर, कैसे लगा थे आप मन ले यहाँ के? बहुत अच्छा लगा थे। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि अधिक बड़ी हस्ती छत्तीसगढ़ की देकर से मिले के मौका मिले आज। तो अम्मा के गांव आए हैं तीजन भाई, जो छत्तीसगढ़ के धरोहर माने जाते हैं। उनकर गांव आए हैं, उनकर मोहल्ला आए हैं, आज देखा था कैसे उनका रहन सहन है। तीजन अम्मा का मंझला वाला लड़का दिलहरन, पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन भाई का मंझली बहू कुलेश्वरी पद्मश्री। ये पद्मश्री का पद्म भूषण और ये पद्म भूषण दिलीप का। जैसे कि आप मैंने देखा था अम्मा की, इतना सारा अवार्ड, इतना सारा सर्टिफिकेट है कि मैं ना बयान नहीं कर सका हूँ। और एक भी सर्टिफिकेट छोटे नहीं है, हर एक सर्टिफिकेट अपन आप में इतना बड़े, मतलब जितना पायाबर इंसान तरसते। हमारे जो अम्मा है छत्तीसगढ़ के धरोहर है, मैं बयान नहीं कर सका हूँ। यहाँ आके मैं कितना खुश हूँ। अभी तीजन अम्मा का नाती
तो आप भी पंडवानी गाते हैं, तो पूरा जो सीखे वो अम्मा के पास से सीखे? चंगी मन मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि हमन जिन काम पर मेन काम पर आ रहे हैं मुलाकात करें, हमार कार्य जो हवा है वो पूरा हो गए, और रही बात यहाँ आके फील हो के तो मैं बता नहीं सकूँ, जेखर बारे में हमन बचपन से सिर्फ सुनत रहें और टीवी में देखत रहें, उनखर से मुलाकात करना मतलब लफ्ज़ जो होते कम पड़ जाते, वैसा अभी हवा हाल है। तो संगी मन मैं अभी मिला था आप मल्ला अम्मा से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के अभी तो पूरा भारत के सामने मैं बखान नहीं कर सकूँ, इतना कन अवार्ड जीते हैं अम्मा और इतना ज़्यादा मतलब फेमस हवा पूरा वर्ल्ड में। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगी मन तो हमन आ गए हैं अभी बिलासपुर, जस्ट अभी आए हैं मिलाई से, तो टाइम जो हो गया वो 8 बजे हवा, बहुत खुशी हुई कि हम उनकर गा मिल पाए। सबसे पहले तो मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं टाइम निकाल के मतलब मल्ला इतना टाइम दी से। बाकी अगर आप मल्ला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करा और उसे की तरह शेयर तक कर देना ताकि आओ मन देख सके। बाकी सब्सक्राइब करें धन मिला, नया नया वीडियो लाते रहूँ मैं। हाँ, और एक चीज़ आओ कमेंट करके जरूर बताना कि हिंदी में ब्लॉग बनाओ या फिर छत्तीसगढ़ी में कंटिन्यू कराऊँ आगे, ये जरूर बता। तो मिलता अगली वीडियो में।